सांकेतिक रूप से महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। सत्यानंद भोक्ता, इटखोरी। राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष सांकेतिक रूप से ही संभव हो पाएगा। कोरोना की गाइडलाइन की वजह से बृहद पैमाने पर महोत्सव का आयोजन करना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बात राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को इटखोरी में कही। श्रम मंत्री स्थानीय विधायक कुसुम कुमार दास तथा ग्रामीणों के साथ महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक करने आए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत फिलहाल किसी भी तरह के बड़े आयोजन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। यह रोक जनता की सुरक्षा के लिए है, जिसका पालन हम सभी को करना है। श्रम मंत्री ने कहा कि इटखोरी महोत्सव पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसका भी ख्याल हम सभी को करना है। उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि इस वर्ष स्थानीय स्तर पर सांकेतिक रूप से महोत्सव का आयोजन किया जाए, ताकि कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो पाए। इससे पूर्व श्रम मंत्री ने मंदिर के कार्यालय कक्ष में स्थानीय विधायक तथा ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने स्थानीय सांसद साइटखोरी महोत्सव के प्रणेता सुनील कुमार सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि महोत्सव के आयोजन के लेकर सांसद की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली है। इस मुलाकात के बाद बुधवार को सांकेतिक रूप से महोत्सव के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस पर स्थानीय विधायक ने भी सहमति जताई। विधायक ने कहा कि इटखोरी महोत्सव 3 दिवसीय होता आया है, ऐसे में सांकेतिक रूप से ही सही 3 दिन छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बैठक में पूर्व प्रमुख ऋषि बाला, मंदिर प्रबंधन समिति के आजीवन सदस्य मृत्युंजय सिंह, श्याम प्रसाद, दिलीप कुमार साव, योगेंद्र सिंह, रतन शर्मा, सुरेंद्र सिंह, सुधीर राय, संतोष सोनी, नंदकिशोर दांगी, राजद के जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव, अरुण यादव, अक्षयवट पांडे, रसिक शिरोमणि, डोमन राणा, टुन्नी सिंह, सीताराम दांगी आदि उपस्थित थे। पंकज सिंह की रिपोर्ट, इटखोरी टीवी।